जाए।
सीता जी संकोचवश उत्तर नहीं देती। इन बातों को सुनकर कैकेयी तमक कर उठी। उसने मुनियों के वस्त्र, आभूषण, माला, मेखला आदि और बर्तन लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रख दिए और कोमल वाणी से कहा, हे रघुवीर, राजा को तुम प्राणों के समान प्रिय हो। भीरु यानी प्रेमवश दुर्बल हृदय के राजा शील और स्नेह नहीं छोड़ेंगे। पुण्य, सुंदर, यश और परलोक चाहे नष्ट हो जाए, पर तुम्हें वन जाने को वे कभी न कहेंगे। ऐसा विचार कर जो तुम्हें अच्छा लगे वही करो। माता की सीख सुनकर श्री रामचंद्र जी ने बड़ा सुख पाया, परंतु राजा को ये वचन बाण के समान लगे। वे सोचने लगे, अब भी अभागे प्राण क्यों नहीं निकलते। राजा मूर्छित हो गए, लोग व्याकुल हैं, किसी को कुछ सूझ नहीं पड़ता, फिर क्या करे। श्री रामचंद्र जी तुरंत मुनि का वेश बनाकर और माता पिता को सिर नवाकर चल दिए। वन का सब साज सामान सज कर यानी वन के लिए आवश्यक वस्तुओं को साथ लेकर श्री रामचंद्र जी, स्त्री श्री सीता जी और भाई लक्ष्मण जी सहित ब्राह्मण और गुरु के चरणों की वंदना करके सबको अचेत करके चले गए। राजमहल से निकलकर श्री रामचंद्र जी वशिष्ठ जी के दरवाजे पर जा खड़े हुए और देखा कि सब लोग विरह की अग्नि में जल रहे हैं। उन्होंने प्रिय वचन कहकर सबको समझाया। फिर श्री रामचंद्र जी ने ब्राह्मणों की मंडली को बुलाया, गुरु जी से कहकर उन सबको वर्षासन अर्थात वर्ष भर का भोजन दिए और आदर दान तथा विनय से उन्हें वश में कर लिया। फिर याचकों को दान और मान देकर संतुष्ट किया तथा मित्रों को पवित्र प्रेम से प्रसन्न किया। फिर दास दासियों को बुलाकर उन्हें गुरु जी को सौंप कर हाथ जोड़कर बोले, हे गुसाई, इन सब की माता पिता के समान सार संभार देख रेख करते रहिएगा। श्री रामचंद्र जी बार बार दोनों हाथ जोड़कर सबको कोमल वाणी से कहते हैं कि मेरा सब प्रकार से हितकारी मित्र वही होगा जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहें। हे परम चतुर पुरवासी सज्जनों, आप लोग सब वही उपाय करिएगा जिससे मेरी सब माताएं मेरे विरह के दुख से दुखी ना हो। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी ने सबको समझाया और हर्षित होकर गुरु जी के चरण कमलों में सिर नवाया। फिर गणेश जी, पार्वती जी और कैलाशपति महादेव जी को मनाकर तथा आशीर्वाद पाकर श्री रघुनाथ जी चले। श्री रामचंद्र जी के चलते ही बड़ा भारी विषाद हो गया। नगर का आर्तनाद यानी हाहाकार सुना नहीं जाता। लंका में बुरे शकुन होने लगे। अयोध्या में अत्यंत शोक छा गया और देवलोक में सब हर्ष और विषाद दोनों के वश में हो गए। हर्ष इस बात का था कि अब राक्षसों का नाश होगा और विषाद अयोध्या वासियों के शोक के कारण था। मूर्छा दूर हुई तब राजा जागे और सुमंत्र को बुलाकर ऐसा कहने लगे, श्री राम वन को चले गए पर मेरे प्राण नहीं जा रहे हैं। न जाने ये किस सुख के लिए शरीर में टिक रहे हैं। इससे अधिक बलवती और कौन सी व्यथा होगी जिस दुख को पाकर प्राण शरीर को छोड़ेंगे। फिर धीरज धर कर राजा ने कहा, हे सखा, तुम रथ लेकर श्री राम के साथ जाओ। अत्यंत सुकुमार दोनों कुमारों को और सुकुमारी जानकी को रथ में चढ़ाकर वन दिखलाकर 4 दिन के बाद लौट आना। इस एपिसोड में इतना ही। आगे की कथा सुनने के लिए कृपया मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय सियाराम।